हेलो फ्रेंड, टू लव फिल्म कलेक्शन में आपका स्वागत। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास होम थिएटर आया जो कि ये VCL कंपनी का है, कोई भी क्या कंपनी है, ऑर्डनरी कंपनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लाइन देने के बाद भों भों आवाज़ कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लाइन देने के बाद भों आवाज़ कर रहा है। इसमें वॉल्यूम घुमाने पर भी कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन बेस का आवाज़ खुली भों भों कर रहा है। बेस का भी घुमाने पर कोई काम नहीं कर रहा है। चलिए जानेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम घुमा लेते हैं होम थिएटर को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसमें होम थिएटर का मैं सारा नट खोल चुका हूँ। चलिए उसके बाद हम ढक्कन को बाहर निकाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड, ढक्कन को हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा ढक्कन खुल चुका है। चलिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह मेरा 4 IC वाला है जो कि हाइब्रिड है। देख पा रहे हैं, ये 4 IC वाला है जो कि इसमें डबल 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 स्पीकर से कर दिया है, और उसके बाद 2 बेस के लिए बनाया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो इसमें IC है डबल IC से कनेक्टेड है, जो कि बूफर 2 IC से कनेक्टेड है। जो कि फ्रेंड्स, ये तो लोकल बोर्ड है, फिर भी फ्रेंड चलिए इसको हम बनाते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो कि ये प्रॉब्लम मेरा IC का है। इसमें अगर एक IC भी ख़राब होगा तो आवाज़ करने लगेगा। इसमें 2 IC जब भी इसका चेंज होता है, 2 IC चेंज होता है। जैसे आप देख पा रहे, दोनों IC बेस से कनेक्टेड है, बेस वाला सबवूफर से कनेक्टेड है, ये दोनों स्पीकर से कनेक्टेड है, और ये दोनों बेस वाला सबवूफर से कनेक्टेड है। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको हम बताते हैं इसे IC एक कैसे चेक किया जाता है, चलिए उसको आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हम मीटर लेते हैं, चेक करेंगे कि मेरा कौन IC कौन सा ख़राब है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम IC को नाप लेते हैं, कौन सा मेरा IC ख़राब है। जैसे सबसे पहले कंटिन्यूटी है नापेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे, कंटिन्यूटी 1 10 80 है, 10 82 है उसके फ्रेंड। उसके बाद हम स्पीकर वाला आपको नाप के दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, 613 है, ये भी 613 है, जो कि ये दोनों मेरा 616 618 466 ये भी आपको सेम ही मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और इसका देख पा रहे हैं 376। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये दोनों का कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा बता रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 1090 1091 बता रहा है, इसका भी फ्रेंड सेम बता रहा है, जो कि ये दोनों IC ख़राब हैं। सबसे पहले हम IC को अगर बाहर निकाल के देखेंगे कि दोनों में से दोनों ख़राब है क्या, जो कि दोनों मेरा शॉर्ट बता रहा है, इसलिए हम सबसे पहले IC को हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं डिसोल्डर वायर ले चुका हूँ, उसके बाद हम IC को हम बाहर निकालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, IC को हम बाहर निकाल लेते हैं, सबसे पहले डिसोल्ड कर लेते हैं सबसे पहले। इससे होगा आपका प्रिंट सही से रहेगा, नहीं तो डायरेक्ट उखड़ोगे तो आपका प्रिंट उखड़ने का डर है, इसलिए डिसोल्डर से अच्छी तरह से मेरा डिसोल्डर से निकल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मेरा IC बाहर निकल चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दोनों IC मेरा बाहर निकल गया। चलिए फ्रेंड्स, चलिए आपको अब
आईसी नाप के दिखाते कि दोनों ख़राब है क्या सिंगल ख़राब है। जो कि इसमें फ्रेंड्स जो कि है मेरा आईसी नंबर आपको दिखाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा आईसी नंबर 2050 है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2050 है। किसी किसी में 2030 भी होता है, आप 2030 की जगह 2050 की जगह 2030 भी यूज कर सकते हैं, या 2050 भी 2050 आपका हाइब्रिड आईसी होता है कि दोनों लगा सकते हो, या आप इसमें 2030 जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलिए आपको कंटिन्यूटी नाप के दिखाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक कंटिन्यूटी मेरा सबसे ज़्यादा दे रहा है, जो कि ये मेरा आईसी ख़राब है। अब दूसरा आईसी भी चेक करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका भी कंटिन्यूटी ज़्यादा दे रहा है, जो कि ये वाला भी आईसी मेरा ख़राब है। मेरा दोनों आईसी ख़राब है। चलिए फ्रेंड, उसके बाद हम इसमें हम आपको दूसरा आईसी आपको नाप के दिखाएंगे। सबसे फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे थे, अब इसमें हम न्यू आईसी इसमें हम 2030 लगाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा 2030 आईसी है, जो कि मार्केट में आराम से 15-20 टका में मिल जाता है। जैसे कि आप फ्रेंड देख पा रहे हैं 2030 आईसी है, 2050 का दाम ज़्यादा है, 2030 का दाम कम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा 2030 का आईसी है। चलिए फ्रेंड, इसका कंटिन्यूटी नाप के आपको हम दिखाते हैं, जो कि उसका कंटिन्यूटी इसका ज़्यादा दे रहा था, अभी इसका कंटिन्यूटी आपको जैसे कि आप देख पा रहे हैं 400 है, और इसमें 621 है। फ्रेंड चलिए जैसे कि आप देख पा रहे थे ये मेरा नया आईसी है। चलिए इसमें हम नया आईसी को हम बोर्ड में लगा के आपको फिर से कंटिन्यूटी आपको नाप के दिखाते हैं, इसमें कंटिन्यूटी चेक करके आपको दिखाएंगे। जैसे फ्रेंड मेरा आईसी लग चुका है, चलिए उसके बाद हम नट से इसे हम टाइट कर लेंगे अच्छे से। अगर नट आपका ढील टाइट नहीं करोगे तो आपका आईसी उड़ सकता है, इसलिए हम नट अच्छी तरह से हम टाइट कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा नट टाइट हो चुका है। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद हम सोल्डिंग कर लेंगे। चलिए उसके बाद हम सोल्डिंग कर लेते हैं। अच्छी तरह से हम सोल्डिंग कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड देख पा रहे हैं मेरा सोल्डिंग हो चुका है। चलिए उसके बाद हम आपको कंटिन्यूटी नाप के आपको हम इसका दिखाएंगे कि मेरा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए उसके बाद हम कंटिन्यूटी नापेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे 385, 621, 624, 625, 450। इसमें भी हम चेक कर लेते हैं दूसरा आईसी में 623, इसका भी देख पा रहे हैं 625, 623, 623, 624 है, फिर देख पा रहे हैं 624 इसमें भी है, 450, 455, 451। चलिए फ्रेंड उसके बाद देख पा रहे हैं दोनों का सेम वैल्यू दे रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो कि तभी मेरा 1050, 1051 इस टाइप का आ रहा था, जो कि वो मेरा दोनों आईसी शॉर्टिंग था। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले जो सोल्डिंग है तो वहाँ से पेस्ट को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो करंट बहने का डर है, इसलिए हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं।
चलिए फ्रेंड, उसके बाद हम कीट को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। उसके बाद आपको हम लाइन देकर आपको चेक करके दिखा दें। जैसे जैसे हम मैंने वायर खोला तो वैसे वैसे लगा लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वायर को अच्छी तरह से हम लगा लेते हैं। जैसे जैसे आप वायर खोले थे वैसे वैसे आपको लगा लेना है। चलिए फ्रेंड्स, मेरा वायर लग चुका है। चलिए उसके बाद आपको हम लाइन देके दिखाते हैं मेरा ओके हुआ कि नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलिए उसके बाद हम लाइन देके आपको हम चेक करके दिखाते हैं। चलिए हम लाइन देते हैं, उसके बाद आपको हम चेक करेंगे। चलिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लाइन देने के बाद मेरा पहले आवाज़ कर रहा था, आवाज़ बंद हो गया है। एकदम पहले भों भों आवाज़ कर रहा था, आवाज़ नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम को मारने पे भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कि वो प्रॉब्लम था मेरा आई सी खराब हो चुका था। चलिए फ्रेंड, स्पीकर लगा के आपको हम चेक करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा कर रहा है, आवाज़ क्लियर हो रहा है। पहले आवाज़ कर रहा था, आवाज़ नहीं कर रहा है। इसमें हम आपको हम म्यूजिक बजा के आपको सुनाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं म्यूजिक मैं आपको बजा के सुना के दिखा रहा हूँ। म्यूजिक आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आवाज़ मेरा भों भों कर रहा था, अब आवाज़ ठीक हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।